ये भाई दोस्तों, झारखंड की इस गर्मी पर आप लोगों का स्वागत है और झारखंड का जंगल शुरुआत हो चुका है। भाई दोस्तों, इस समय हमारी गाड़ी ये गोदाम में खड़ी है, लोड खड़ी है। चारों तरफ से रास्ता त्रिपाल एकदम कंप्लीट है, माल लोड है भाई, कागज नहीं बने इसकी वजह से भाई। और होली भी है, होली के त्यौहार पर मैं अपने गाँव जा रहा हूँ और भाई मंगलवार को आऊँगा तभी अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे। दोस्तों, न्यू ब्लॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है और माता पिता भाई बहनों को सभी लोगों को नमक होता है काफ़ी दिले। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और भाई आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं और भाई लेके चलते हैं आप लोगों का रोड का कुछ एंजॉय करते हुए पहुँचते हैं गाड़ी के पास। तब तक आप लोग बने रहिए अपने वीडियो में। भाई घर से निकल चुका हूँ, गलियों का सैर कर रहा हूँ और ये फाइल अपने पास ही है भाई। भाई दोस्तों, ये देख रहे हैं हमारे यहाँ फरीदाबाद गलियों में बिन बारिश की बाढ़ आ रही है। भाई दोस्तों, ये सफ़ेद सा जो मकान चमक रहा है, 3 मंजिल इमारत बनी हुई है और ये देख रहे हैं जो इस पर लिख रहा है KP पब्लिक स्कूल, इसी जगह पर भाई दोस्तों अपनी गाड़ी खड़ी थी। यहाँ पर इस समय स्कूल बन चुका है और इसी समय खड़ी थी। भाई दोस्तों, आपको जो एक जगह दिखाई है ये देखिए, 3 मंजिल इमारत बनी हुई थी और उस पर लिख रहा था KP पब्लिक स्कूल, इसी जगह पर भाई दोस्तों अपनी गाड़ी खड़ी थी जहाँ पर ये गाड़ी हमारी चोरी हुई थी आज से 2.5 साल पहले। जो अभी तक भाई साहब, अभी तक हमारा कोई क्लेम पास नहीं हुआ है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी थी, अभी तक भी कोई क्लेम पास नहीं हुआ। भाई दोस्तों, इस समय हम रोड पर पहुँच चुका हूँ, मेन रोड। भाई यहाँ से टेम्पो पकड़ेंगे जब पहुँचते हैं ऑफिस के पास। कुछ यहाँ के नज़ारे देखिए, ये सामने अंग्रेजी व आयुर्वेदिक आपके लिए दवाई भी उपलब्ध है और 10 ही ऑटो भी आ चुका है भाई, इसी में बैठते हैं। कोची चौक पर कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, देख रहे हैं लेबर चौक कोची। तो आज थोड़ा पैदल सैर करूँगा भाई, एक ही टेम्पू पकड़ा हूँ, फिलहाल पैदल चल रहा हूँ मैं, आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग देखिए। भाई दोस्तों, पैदल चल के भाई थोड़ी देर में बस पहुँच गया मैं अपनी गाड़ी के पास और आप लोग देखिए अपनी राजधानी एक्सप्रेस कहाँ खड़ी हुई है। तो ये है अपना ट्रांसपोर्ट और ये भाई एक नई गाड़ी आ चुकी है और ये अपने पास ट्रांसपोर्ट की गाड़ी खड़ी हुई है। ये हमारे सेठ साहब किक मार रहे हैं बाइक में, देखिए। और भाई ये खड़ी अपनी राजधानी एक्सप्रेस, अपने ट्रांसपोर्ट की और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। भाई दोस्तों, हमको प्रोग्राम मिल चुका, भाई थोड़ा लेट मिला था और भाई इस समय 1:30 बज चुका है, इस पे चल रहे हैं भाई, KMP पे चल रहा हूँ। ये देखिए भाई दोस्तों, KMP पे चल रहा हूँ इस समय, थोड़ा सा KMP रोड का मुआवजा कीजिए आप लोग और भरपूर रोड का आनंद लीजिए। कितना VIP रोड है, दिल्ली के बाहर बाहर KMP एक्सप्रेस, उसी पे चल रहा हूँ भाई। भाई दोस्तों, कल हमको प्रोग्राम मिल चुका था, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया क्योंकि थोड़ा हमको लेट मिला था, इसलिए भाई मैं आप लोगों को नहीं बता सका कि हमको प्रोग्राम मिल चुका है। रात 9 बजे क्लियर हुआ था और भाई रात ही में निकल आया था, मैंने आप लोगों को रात का सफ़र थोड़ा सा दिखाया। और भाई फिलहाल गाजियाबाद से आगे सादरा वहाँ लोड करने के लिए आए हैं। यहाँ का कुछ सिस्टम आप लोगों को दिखाते हैं भाई, पैप ही पैप दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सी मार्केट है पता नहीं भाई, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए भाई दोस्तों, जहाँ पर हम लोड करने के लिए आए हैं, जिधर भी निगाह मारोगे दोनों साइड से पैप ही पैप चमक रहे हैं। भाई दोस्तों, इस समय गाजियाबाद में है और फिलहाल भाई हमको 2 जगह से लोड करना था, 1 जगह से लोड हो चुकी है और ये खड़ी है भाई दोस्तों। कल दूसरी जगह लोड होगी, कल आप लोगों को वहाँ मिलेंगे, तब तक आप लोग फुल एंजॉय लीजिए। ये देखिए भाई दोस्तों, एक सामने वो गाड़ी खड़ी है और एक ये अपनी गाड़ी है, आधा माल लोड हो चुका है, आधा कल होना है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? भाई इस समय 9 बज रहे हैं, अभी अभी सोकर उठाऊँ और भाई कल गाजियाबाद थे, आज लालकुआ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर लोडिंग करने के लिए आए हैं भाई। और भाई आप लोगों को मैं यहाँ का कुछ एंजॉय कराते हैं भाई, रोड पर ही खड़ा हूँ, कंपनी भी बगल में है, आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। ये देखिए भाई दोस्तों, बाहर का कुछ ऐसा सीन है, ये सामने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है और ये भाई सामने रोड है, ये देख रहे हैं आप लोग गाड़ी वगैरह जा रही हैं। और इधर में भाई ये गोदाम है जिससे लोड करने के लिए आए हैं, ये गेट है सामने। भाई दोस्तों, इस समय अपनी गाड़ी लोड हो चुकी है और एकदम रास्ता त्रिपाल करके कंप्लीट है, आप लोगों को मैं पीछे से दिखाता हूँ, एकदम रास्ता त्रिपाल कंप्लीट है भाई, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए भाई दोस्तों, रास्ता त्रिपाल लगा के एकदम कंप्लीट खड़ी है हमारी राजधानी एक्सप्रेस, लोगों ने देखा इस समय एकदम कंप्लीट है।
और रोड का एंजॉय करते हुए चलेंगे, आप लोगों को फुल एंजॉय कराएंगे। भाई दोस्तों, इस समय हमारी गाड़ी ये गोदाम में खड़ी है, लोड खड़ी है, चारों तरफ से रास्ता त्रिपाल एकदम कंप्लीट है, माल लोड है भाई, कागज नहीं बने इसकी वजह से भाई। और होली भी है, होली के त्यौहार पर मैं अपने गाँव जा रहा हूँ और भाई मंगलवार को आऊँगा तभी अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे। और ये खड़ी है भाई दोस्तों, आप लोग आगे से भी दिखा देता हूँ नंबर वगैरह। ये देखिए भाई दोस्तों, इस समय गांव में पहुंचा हुआ हूँ और भाई अपने संतोष भाई की दुकान पर फिलहाल मौजूद है। और भाई अपनी राजधानी एक्सप्रेस इस समय धूप में तप रही है, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए भाई दोस्तों, अपनी राजधानी एक्सप्रेस इस समय धूप में तप रही है, थोड़ा ठंड का मौसम चाहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? भाई इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चढ़ रहा हूँ और आप लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस का भरपूर आनंद दिलाएंगे। और आप लोग देखिए रोड कितना प्यारा है, नगलो टू गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस आप लोग देख सकते हैं। भाई दोस्तों, इस समय हम पूर्वांचल एक्सप्रेस पर आ चुका हूँ भाई और आप लोग थोड़ा सा रोड का भरपूर आनंद लीजिए। देखिए भाई कितना प्यारा पूर्वांचल एक्सप्रेस है, नगलो टू गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस। ये देखिए भाई गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेस का टोल टैक्स एंड है यहाँ से। हो गया भाई टोल टैक्स बाहर। भाई दोस्तों, इस समय झारखंड में घुस चुका हूँ और आप लोगों को झारखंड का रोड का कुछ भरपूर आनंद दिलाते हैं। और पौधे भी एकदम लाजवाब खिले हुए हैं, फूल एकदम लाली लाल चमक रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये है भाई दोस्तों झारखंड की इस गर्मी पर आप लोगों का स्वागत है और झारखंड का जंगल शुरुआत हो चुका है और फुलवारी देख रहे हैं हमारे यहाँ, ये ढाक के पौधा बोलते हैं, और फुलवारी देख रहे हैं कितने VIP लाजवाब चमक रहा है। जिधर भी निगाह मारो उधर भी ऐसे रंग बिरंगे पौधे दिल खुश कर देते हैं, दिल खुश। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? माता पिता भाई बहनों को, सभी लोगों को नमो बुद्धाय टासी जिले। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस समय मैं भाई टाटा स्टील बोकारो झारखंड आ चुका हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ का कुछ गाड़ी से ही थोड़ा बहुत एंजॉय कराते हैं, बाकी और तो भाई कुछ नहीं दिखा सकते। तब तक आप थोड़ा देखिए, बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं। ये देखिए भाई दोस्तों, सामने गैस टैंकर खड़ा हुआ है और भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारे बगल में भी खड़ी है। और आगे इधर ये थोड़ा सा चमक रहा है नीला नीला सा, ये टाटा स्टील है, इसी में अपनी गाड़ी अनलोडिंग होगी। और भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं भाई दोस्तों। आप सभी लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को यहाँ की गाड़ियाँ वगैरह दिखाई, प्लांट वगैरह भी दिखाया। और इस भाई से कोई भी गलती हो तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के माफ़ करें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आपके पास नए नए वीडियो आ सकें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक माता पिता भाई बहनों को सभी लोगों को नमो बुद्धाय।